हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागॉन। रेगुलर हेक्सागॉन का पेरीमीटर फाइंड करना है। ये जो रेगुलर वर्ड होता है बेटा, किसी भी फिगर के साथ अगर रेगुलर लगा दिया जाए तो इसका मतलब वो ये है कि उस फिगर के सारे साइड इक्वल होंगे। ठीक है, हेक्सागॉन उसको बोलते हैं जिसमें 6 साइड हो, और रेगुलर हेक्सागॉन है यानी उसके पूरे के पूरे 6 साइड इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए पहले एक रेगुलर हेक्सागॉन बना लेते हैं हम लोग। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है ना, और रेगुलर हेक्सागॉन है तो ठीक, हमने बना दिया, सबके साइड इक्वल होने चाहिए। आप रफ ही बना रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, बस आपको थोड़ा सा देखना है कि दिखने में इक्वल लगे, जरूरी नहीं है कि इक्वल सच में हो, नहीं तो स्केल से नापने लग जाओ। विथ ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर, और हर साइड कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि रेगुलर है तो सारे साइड इक्वल होंगे ना, ये सब 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सारे तो इसका पेरीमीटर बताना है, आराम से बता देंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागॉन, क्या हो जाएगा, 8 8 8 कितनी बार है, 6 बार है ना, 8 × 6 कितना हो जाएगा, 8 6 48 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तब तक के लिए जय हिंद।